दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द मार्केट में दो नए फ़ोन लाने वाली है, सैमसंग S9 और S9 Plus। मीन्स में दो वेरिएंट के फ़ोन होंगे। सैमसंग S9 में आपको क्या कहते हैं, 4 GB की रैम मिलेगी, 64 और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, और इसमें 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, और इसमें स्नैपड्रैगन 845 का यूज़ किया होगा, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा बनाती है। और इसके कैमरे के स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी इतनी जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसमें क्या कहते हैं, एप्पल iPhone X की तरह इसमें फेस डिटेक्शन लगा होगा, जिससे फेस से आपका स्क्रीन आसानी से खुल जाएगा। और इसमें कम से कम 3500 mAh की बैटरी होगी, और ये देखना अभी बाकी है ये कब तक लॉन्च होता है। और सैमसंग S9 Plus, इसमें आपको 6 GB की रैम मिलेगी, जो इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा दमदार बनाती है। और इसमें आप 4 टाइप के रैम मतलब इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 1 64 GB, 128 GB, 256 GB और 512 GB। अगर बात की जाए 512 GB क्या कहते हैं फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज की, तो अभी क्या कहते हैं बहुत सारे लैपटॉप 500 GB का ही इंटरनल स्टोरेज देते हैं। और ये पहली फ़ोन होगी अगर इस तरह के, ये रूमर है लेकिन अभी तक ये रूमर के रूप में है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि 512 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये पहला फ़ोन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज का यूज़ किया जाएगा। 512 GB आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि इससे थोड़ी सा ही बड़ा होगा S9 से। और इसमें क्या कहते हैं आपको 845 स्नैपड्रैगन का यूज़ किया जाएगा। और इसके कैमरे के बारे में भी अच्छी खासी मतलब अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ इसका कैमरा कितना रहेगा, लेकिन इसमें आपको 35 से 4000 mAh की बैटरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है फ़ोन। और इसके कैमरे की अगर बात हम लोग थोड़ी सी भी इसके क्या कहते हैं कैमरे की बात करें, तो ये कहते आप देख सकते हैं कि इसका कैमरा कितना दमदार होने वाला है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसमें 512 GB की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है, तो उसका कैमरा भी कितना अच्छा। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो आप सोच ही सकते हैं iPhone X का प्राइस कितना था, कहीं उससे ज़्यादा इसका प्राइस होने वाला है। क्योंकि आपको पता है अगर इसमें 512 GB इंटरनल स्टोरेज एक लैपटॉप की होती है, तो आप सोच लीजिए इसका प्राइस कितना होगा। मतलब 1 लाख प्लस से ही इसका प्राइस स्टार्ट हुआ। जो ज़्यादा पैसे जिनके पास वही फ़ोन बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। ये फ़ोन्स आएंगे मार्केट में लेकिन कब आएंगे ये क्लियर नहीं है, और कितना इसका प्राइस रखा जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव राय या विचार है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।